अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और आज के दिन SDPI की जानिब से एक पद यात्रा निकाली गई। यात्रा कोलपेट से होते हुए माकड़े गली पहुंची। मुख्तलिफ मोहल्लों से ये लोग गुजरे, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। तमाम के तमाम पुरजोश थे और पुर उम्मीद थे। अब देखना यह होगा कि 10 तारीख को अवाम किसके हक में अपना फैसला सुनाएगी, 13 तारीख को नतीजा आएगा। और SDPI ने उम्मीद जताई है कि यहाँ की अवाम इन्हें जीत दिलाकर खिदमत का मौका देंगे। आज SDPI पार्टी से ओबली धारवाड़ ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पाद यात्रा निकाला गया है। इस पाद यात्रा में जन सैलाब देखना पड़ रहा है। हजारों से लोग यहां पर जमा होके SDPI को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे इस जन सैलाब से ये संदेश जाता है कि इस बार SDPI इस क्षेत्र में जीतेगी। बहुत सारे लोग ओपन आके इस बार SDPI को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस में थे, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स आज अंदर ही अंदर हमारा काम कर रहे हैं। हमारे जीत के लिए उन्होंने भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बार SDPI की जीत होगी इंशाल्लाह। दिवस हुबली धारवाड़ पूर्व क्षेत्र SDPI पक्ष बृहत रैलिया ना हमको इवतु क्षेत्र सामू मतदार नम रैली भागवी SDPI पक्षव बेबल व्यक्तपड़ता कल 10 वर्ष क्षेत्र ये अभिवृद्धि केस इंत समुदाय न्याय दिखली शासक प्रसाद भैया विफल और मेल भ्रष्टाचार बेहतर लोकायुक्त दूर को नाक मतदार वनती मेले एनक्वरी आगे प्रसाद भैया जैल के हर और ऐनादरू शासक राधे और शासकत्व रद्द आता क्षेत्र मतदार तम वोट व्यर्थ माबार्द बारी SDPI पक्ष के बेबल SDPI पक्षव इलू अंत नानवत मतदार वनती Thank you.